वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में लॉयंस क्लब ने किया सेमिनार का आयोजन, जिसमें विशेष तौर पर डॉक्टर एमएल अत्री उपस्थित हुए, जिन्होंने लोगों को कैंसर से किस प्रकार बचा जा सकता है और उसके कारण कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी दी और कहा। आज लॉयंस क्लब वालों डॉक्टर मोहन लाल अत्री जी के कैंसर डे मनाएगा 4 फरवरी नूं, ते मैं सारे अपने लाइन मैंबरां दा बड़ा बड़ा धन्नवाद करना जिहड़े इत्थे आ के अवेयरनेस सारयां नूं दित्ती है। पठानकोट दे प्रधान लाइन राजीव खोसला जी और उन्हां दी पूरी टीम वालों अज मेरे होस्पिटल दे विच 4 फरवरी नूं वर्ल्ड कैंसर डे दे उत्ते एक कैंप लगाया गया, सैमीनार लगाया गया है, जिदे विच ये दसना बहुत जरूरी है कि जिहड़ा अजकल जिहड़ा कैंसर दा जिहड़ा रोग आ बहुत ज़्यादा वध रहा हैगा और दुनिया भर में 4 फरवरी नूं ये वर्ल्ड कैंसर डे दे तौर पर मनाया जाता है। 3-4 मोटे मोटे कारण है जिन्हां करके कैंसर हुंदा हैगा जी। नंबर 1 दे उत्ते मोटापा करके, नंबर 2 अलकोहल करके, बीड़ी सिगरेट करके, और कई वायरस हैगे है, और कई सनलाइट करके जिन्हों अल्ट्रावायलट रेज कहने हैं। असी यही अपील करते हैं थ्रू लाइनिज्म कि नंबर 1 ते अपना मोटापा नहीं आने देना चाहिए, सैर करनी चाहिए, नंबर 2 फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, नंबर 3 सब्जियां ज़्यादा खानिया चाहिए, नंबर 4 सैर जरूर करनी चाहिए, योगा जरूर करना चाहिए और अपना जिन्हों कहीं देखो भी अपना भार घटता जा रहा है, खांसी खून आ रहा, लैटन खून आ रहा, तो यह थोड़ी निशानियां कैंसर वाले पास होंगे हैं। मैं लाइन्स क्लब के सारे मैंबर्स का बहुत बहुत थैंक्स करता, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। लाइन्स क्लब पठानकोट अपने प्रेजेंट लाइन समय समय से सर्विस प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि लाइन्स क्लब का जो मेन एम है लोगों की सेवा करना, तो साडे प्रेजिडेंट साहब अपनी सेवा कर रहे हैं। अजे साडा 92वां प्रोजेक्ट है, तुसीं जानते हो कि 4 फरवरी नूं कैंसर डे मनाया जाता, तो अज असी डॉक्टर एम एल अत्री के हॉस्पिटल आए हैं कैंसर डे मनाने वास्ते। डॉक्टर साहब ने डिटेल दस्सिया तुहानूं सब नूं कि कैंसर दे की कारण है, क्यों हुंदा, इहदी प्रिकॉशन लैके किदां बचिया जा सकदा। मैं डिटेल च नहीं जाना चाहता, डॉक्टर साहब ने तुहानूं डिटेल च दस्सता। मैं डॉक्टर एम एल अत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि समय समय से जोड़े भी प्रोजेक्ट होंगे अपने हॉस्पिटल से बनाते हैं। इस बारे मैं आए हुए सारे लाइन मैंबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता, साडे प्रधान जी का भी धन्यवाद करता जिहड़े कि इन्ने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जय हिंद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।